मक्के की खेती में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा क्या होनी चाहिए, ये जाने बगैर अगर आप उर्वरकों का लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं तो इससे आपकी फसल को फायदा मिलने की बजाय नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए मक्का में उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा यानी 75 किलोग्राम स्फूर एवं 50 किलोग्राम पोटाश को अंतिम जुताई के समय खेत में छींटकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। या बीज बुआई के समय उर्वरकों को बीज की कतार से 5 सेंटीमीटर दूर हटकर और बीज की सतह से 3.5 सेंटीमीटर गहराई पर खोदी गई नालियों में डालनी चाहिए। इसके बाद पाटा चलाकर बीज और खाद को ढक देना चाहिए। आपको बता दें कि बुआई के समय खेत में नमी होनी चाहिए। बाद में नाइट्रोजन की शेष बची 80 किलोग्राम की मात्रा को 2 बराबर भागों यानी 40-40 किलोग्राम में बांटकर यूरिया के रूप में 88 किलोग्राम प्रति छिड़काव की दर से पहली बुआई के 50-60 दिनों बाद तथा दूसरा धनबाल निकलने के समय छिड़काव करना चाहिए।